ये सारा हाथ हैमवर्क का काम हुआ हुआ है। ये भी कोई तकरीबन होगी ब्रिटिश के टाइम की। ये रॉकिंग चेयर है, रॉकिंग भी होती है, घूमती भी है। देखें आप, पैर की एम्ब्रॉयडर्ड है। ये मेडल यूएसए है। ये पीतल के वाज भी आपको, छोटे वाले, ये वाले जी। पीतल का लैंप है ये, सिर्फ वजनी इतना है कि मैं आपको क्या बताऊं। देखिए मेरे हाथ का कुपार है। ये किसी चीज़ का नक्शा बना हुआ है, पेंटिंग है ये, एंटिक पेंटिंग है ये। एलिफेंट बना हुआ है ये भी, ये इसके अंदर भी चांदी का काम हुआ हुआ है। ये भी चीनी का वास है, आप इसका वेट चेक कर सकते। ये तकरीबन वेट के अंदर होगा 30 से 35 किलो हुआ। ये भी चीनी का है, इसका भी वेट तकरीबन होगा 40 से 50 किलो। ये रहा लैम, ये मम्मी बनी हुई है लेकिन ये चीनी का है। ये अच्छा। ये आपका नहीं है, ये तकरीबन ये भी कोई 30 साल पुराना लैम्प है। ये हमारी बर्मा टीक की है। इसके हैंडल, ये ब्रिटिश डोर का हैंडल है, ये नयाब हैंडल है। अस्सलामुअलैकुम शाहज़ेब। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक आप सुनाए। पहली वीडियो में तो अपनी दुकान में हमने फर्नीचर कुछ दिखाया था, आज हमें क्या दिखा रहे हैं? बॉस ये हमारी दुकान है एंटिक सामान की, इसके अंदर ब्रिटिश दौर का सामान होता है। इस यहाँ पे मेरा बड़ा भाई बैठता है। इस दुकान पे बहुत कम कस्टमर है जिसको हम लेके आते हैं। जिस तरीके से आप हमारे अजीज़ हैं, हम आपको लेके आए इस दुकान का विज़िट करवाने। ये मैक्सिमम यहाँ पे ब्रिटिश के दौर का आइटम रखा हुआ है इस दुकान पे। बर्मा टीक कहलाता है, जो कि यूनिक से यूनिक आइटम मिलता है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारा बर्मा टीक एंटिक आइटम है ये। जी सर, ये देखिए, जैसे कि ये बना हुआ है हॉर्स, ये सारा हाथ हैमवर्क का काम हुआ हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये हैंड मेकिंग का है जी, हैंड मेकिंग का है ये। और इसके बाद ये देखें आप, ये जैसे ब्लास के रखे हुए, ये पीतल का काम हुआ हुआ है, सारा पीतल का आइटम है। ये एंटिक कहलाते हैं। और ये चीनी वाले, ये सारे बर्तन वगैरह सब चीनी के हैं, ये कोई लोकल नहीं है। देखे ये देखें, जैसे ये पहले चलती थी, ये होल्ड इज गोल्ड है, ये भी पीतल में। बाकी ये देखें, एक हैंडवर्क की ये रखी हुई मूर्ति, अपना एलिफेंट बना हुआ है, ये भी, ये इसके अंदर भी चांदी का काम हुआ हुआ है। ये जी, ये जो अलमारी रखी हुई है ये लोहे की, ये मैक्सिमम होगी तकरीबन 150 से 200 किलो की। जैसे ये बर्मा टीक की अलमारी रखी हुई है, ये वाली, ये अलमारी बर्मा टीक की है। इसके हैंडल, ये ब्रिटिश डोर का हैंडल है, ये नयाब हैंडल है। जैसे कि पीछे आप देख सकते हैं, गोल वाली टेबलें रखी हुई हैं फैंसी, ये सारी फैंसी टेबलें हैं, ये सब एंटिक हैं, ये यूनिक किस्म की हैं। वो क्या होते हैं जैसे ये टेबल है, ये असल में ये सारा इम्पोर्टेड सामान है, ये सारा एंटिक है। एंटिक से मुराद ये है कि ये 100 साल 150 साल से अबव है, यानी कि हमारे मेरे दादा के ज़माने का ये आइटम है। क्योंकि नहीं, ये हमारी जो दुकान है वो तकरीबन 45 से 40 साल पुरानी है। ये जो बर्मा टीक है, ये बर्मा टीक तकरीबन 150 से 200 साल पुरानी अलमारी है, आप चेक कर सकते हैं, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, यानी कि मेरी नस्ल भी इसको चला सकती है। और ये क्या दाम है इसके? ये अलमारी ये आपको मिलेगी 25K की। 25,000 जी। बाकी अगर इसको, अगर इस नई लकड़ी में बनाना चाहें तो मेरा ख्याल तो आज के नई लकड़ी में अगर बनाना चाहें तो तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए में बनेगी। और अव्वल बात तो ये है कि बर्मा टीक की लकड़ी आ नहीं रही है। आए, मैं आपको अंदर और मज़ीद विज़िट करवा देता हूँ। अंदर और मेरे पास यूनिक अलमारियाँ रखी हुई हैं, यूनिक आइटम रखे हुए हैं। ये देखें, ये चाइना की क्लॉक रखी हुई है, जो स्कूल में, जैसे हम लोग बचपन में स्कूल जाते थे तो घंटा बजता था, वैसा ही घंटा है। ये चाइना का, ये देख रहे हैं आप, ये भी यानी कि होल्ड है। ये लैम्प बना हुआ है मेरे हाथ में जो है, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये भी चाइना का है। ये पुराना है, ये कदीमी है, यानी कि नया नहीं है, ये पुराना है। ये शोपीस लैम्प के ऊपर है जी। क्या दाम कुछ होते हैं सर? ये अनमोल दाम होते हैं इसके। जैसे कस्टमर आएंगे, शौकीन आता है, उस शौक पे बात होती है।
कोई बेचारे ऐसे आते हैं कि जिनके पास पैसे नहीं होते, उनको शौक होता है यूनिक सामान ख़रीदने का। तो जैसे आप देख सकते हैं ये लैम्प है का, ये रहा लैम्प, ये मम्मी बनी हुई है लेकिन ये चीनी का है ये। अच्छा। ये आपका नहीं है, ये तकरीबन ये भी कोई 30 साल पुराना लैम्प है। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये एक लैम्प ये रखा हुआ है। अच्छा, पहले मैं इसको देख लूँ थोड़ा सा, अच्छे से दिखा दूँ। अच्छा, ये क्या है बना हुआ है? ये वास है, ये शेर, ये डॉगी बना हुआ है, ये वास है। ये मूर्ति है, ये भी कोई तकरीबन होगी ब्रिटिश के टाइम की। अच्छा, ये किस मटेरियल में? ये बर्मा टीक के अंदर है ये भी। ये देख सकते हैं इसकी हम लोगों ने नॉइस जो ना सिली हुई है, ये दिख सकता है आपको, या तो बर्मा टीक में होती है या फिर ब्लैक शीशम में होती है। ब्लैक शीशम और बर्मा टीक दोनों महंगा है। ये मूर्तियों के कुछ रेट बता सकते हैं या? सर, मूर्तियों के जैसा शौक है वैसा मॉल है, हम मांग रहे हैं इसके 50,000 रुपये आपके सामने। ये अब की नहीं है मूर्ति, हीरे की कदर तो ज्योति जानता है। देखिए सर, ये कंपास है हमारे पास, ये जहाज में जो इस्तेमाल होता है कंपास, ये वो कंपास है। ये कंपास भी तकरीबन कोई होगा 100-150 साल पुराना, क्योंकि ना जहाज का कंपास कहलाता है ये। ये देखें आप उसका पेरीमीटर वगैरह, जहाज का कंपास कहलाता है ये। मुख्तलिफ सिंत बताता है ये। जी देखें सर, ये भी वर्मा टिक की अलमारी है जी। इसके ऊपर हड्डी कार्बिन का काम हुआ हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये हाथी दांत की हड्डी कार्बिन का काम हुआ हुआ है। ये भी एंटिक है ये जी, बिल्कुल ओके कंडीशन में, सिर्फ इसका एक मिरर लगाना है। तो ये क्या रेट में सर? ये डबल डोर की अलमारी है, ये उससे हैवी अलमारी है, ये तकरीबन 300-350 साल पुरानी है ये। ये जी जी 300 साल पुरानी अलमारी, क्योंकि 45 साल हो गए इसको हमारी दुकान को, तो ये तकरीबन 20 साल पहले हम लोगों ने ख़रीदी थी, तो हम इसको बेच नहीं रहे। इसके पैसे लग रहे हैं 30,000-35,000 रुपये, हम चाह रहे हैं 50,000 रुपये तक की जाए, क्योंकि ना यूनिक एंटिक चीज़ है। तो फिर आपको पता है ये डॉग से चीनी के अंदर बना हुआ, तांबे चीनी का जो काम जो होते हैं ना बर्तन, उसके अंदर बने हुए हैं ये। साइज भी काफी बड़ा है, साइज भी बड़ा है, जैसे कि आप वास देख सकते हैं। हाँ, ये दिखाएं थोड़ा सा। ये भी चीनी का वास है, आप इसका वेट चेक कर सकते हैं। ये तकरीबन वेट के अंदर होगा 30-35 किलो होगा। मेरा हाथ भी इससे हम कपकपा रहा है। बड़ी अच्छी मूर्ति है, इसमें दिखाया गया है कि भेड़ और भेड़िया जी, और एक कपल कपल खूबसूरत, ये इनका है। अच्छा, ये कितना पुराना है? पुराना ही लग रहा है ये सर। ये देखें, ये चाइनीज, ये चाइना का ये भी, ये पुराना है, ये तकरीबन होगा कोई तकरीबन 30-35 साल पुराना। ये अभी आ नहीं रहे थे। सही है, ये दो हैं आपके? ये दोनों पिस्टर ने, ये रखा हुआ एक, वो रखा हुआ, ये भी चीनी का है। इसका भी वेट तकरीबन होगा 40-50 किलो। अच्छा, क्योंकि ना वेट है। और फैन आप देख सकते हैं, बाबा कौम का फैन भी रखा हुआ हमारी दुकान पे, जो कि हम जी ये देख रहे हैं आप फैन, ये फैन भी देखे ये, लेकिन दुकान का फैन है, ये हमारे को बेचना नहीं है तकरीबन। ये भी बहुत पुराना फैन है, ब्रिटिश के दौर का फैन है, वैसा फैन भी आपको नहीं मिलेगा, ये हमने अपनी दुकान के लिए रखा हुआ है। ये देखें, पहले ये ओवन आते थे जब, पुराने जमाने के ओवन वो रखे हुए, कदीमी ओवन है ये वाला ओवन जी, ये वाला ओवन, ये टोस्टर मेकर है ये। ये उस वक्त सानियो कंपनी जी, आपको पता है सानियो कंपनी कब आई थी और कब बंद हुई है। इसके अलावा और भी मेरे अभी सामान आना है। ये फानूस है, ये देखिए पीतल का काम हुआ हुआ है, अब जो आ रहा है वो आपके सामने, ये भी पुराना फानूस है। ये देखें, क्लॉक चेक करें आप,
ये पहले क्लॉक आती थी चाबी वाली जी, ये वो क्लॉक है, और भी क्लॉकें थी वो सेल हो गई हैं। वॉल क्लॉक है पुराना वाला, चाबी वाला, लकड़ी की बॉडी में जी, और हो सकता है इसकी सुइयां भी चांदी के अंदर हूँ जी। वजनी लग रहा है ये, पीतल का लैंप है ये, सिर्फ वजनी इतना है कि मैं आपको क्या बताऊँ, देखिए मेरा हाथ का कुपार है। सही बात, अगर ऐसी चीज मिल जाए तो क्या बात है कराची में। हीरे की कदर तो ज्योति जानता है, इसको जो गिरेगे खरीदार इसको आपके उसको। ये क्या है? ये ब्रिटिश के ज़माने की प्लेटें, ये ब्रिटिश के ज़माने की प्लेटें जिसमें अंग्रेज खाना खाया करते थे। काम की खूब होवे इस पे स्टील है, आज भी स्टील ऐसा है कि नया। ये इससे बड़ी ये थाली, ये देखें पीछे तक स्टील चमक रहा है आपका। बिल्कुल, ये देखें, ये देखें, ये किसी चीज़ का नक्शा बना हुआ है, पेंटिंग है ये, एंटिक पेंटिंग है ये। वो ऐसे रखना चाहिए, ये सफीर ने बड़ी कलाकारी से बनाया है ये। इस सफीर के हाथों की कारीगरी आप देख चेक कर सकते हैं आप, क्योंकि ने अब के सफीर और पुराने सफीरों में बहुत फ़र्क है। ये लैम्प भी आप चेक कर सकते हैं लकड़ी के, बड़े सर जी। ये आपकी मोहब्बत है जो आपको इस दुकान का विजिट करवाया है, बड़ी बात है। वरना बहुत सारे यूट्यूबर आते हैं कहते हैं विजिट करवा दो, हम करवाते नहीं हैं। आप हमारे बड़े भाई हैं, जब ही हमारे आपको विजिट करवाया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये लैम्प, कैंडल लैम्प, कैंडल याद आ गए थे जब लाइट गई थी। ये कैंडल लैम्प तकरीबन 100 साल तो पुराने होंगे कैंडल लैम्प, और ये पीतल के हैं। और ये पियानो है होल्ड, लेकिन अभी खुल नहीं सकता ये, ये खुल नहीं सकता, पियानो है ये। अच्छा, जैसा कि हम फिल्मों में देखते थे वो ढक्कन उठता है, बिल्कुल वही वाला है जी। तो पियानो बीच में है या खाली है? पियानो बीच में, बिल्कुल ये भी सामान रखा हुआ है, खुल नहीं सकता ये। और ये देख सकते हैं पीतल के वाज भी आपको, छोटे वाले, ये वाले जी, ये पीतल के हैं। ये पुराना कपड़े डालते थे, जैसे वाशिंग मशीनों में कपड़े डलते हैं अब, पहले इसमें कपड़े डलते थे। ये भी बर्मेटिक का है। नहीं करें यार, कपड़े रखने के लिए है ये जी, सेफ करने के, सेफ करने के लिए। अच्छा, और ये देखें, जैसे ये देखें आप, टिश्यू बॉक्स दिखाता हूँ मैं आपको। ओ हो, ये देखें ज्वेलरी बॉक्स भी और टिश्यू बॉक्स भी है। हाय हाय, मलका एलिजाबेथ भी रखती होंगी। बिल्कुल, लेकिन बाकी यार बहुत पुराना है मुझे। ये देखें मेकअप बॉक्स है ये, अच्छा न्यू जनरेशनों के लिए एक नई चीज़, यूनिक चीज़ देखें, जो हमारे बाप ने, दादाओं ने जो हमारे इस्तेमाल करा शोकेस, वो ये रखा हुआ एंटिक, पहले ऐसे चलते थे शोकेस। ये भी तकरीबन कोई 100 साल पुराना होगा जी, ये शीशा बेल्जियम का कहलाता है, ये पुराना अब तो आ भी नहीं रहा। ये तांबे पीतल का काम होगा, ये कैसेट रह गए, ये जो पुराने जमाने की कैसेटें होती थी वो कैसेट रैक कहलाता है ये। चेयर क्या इसके फंक्शन है जरा, ये चेयर, ये रॉकिंग चेयर है ये, जरा हिलाएं तो इसको, ये घूमने वाली भी, ये रॉकिंग चेयर है, रॉकिंग भी होती है, घूमती भी है, देखें आप पैर की है, एम्ब्रॉयडर्ड है। ये मेडल यूएसए है ये, क्या रेट है इसके? इसके रेट अभी पता नहीं है, ये अभी आई है। अच्छा, चले वो कस्टमर आएगा जी।
ये चेयर है, ये देखिए नई है, ये नया बर्मा टी गई है जी। ये भी पुरानी लग रही है मुझे, ये पुराना स्टाइल है लेकिन नया बर्मा टी गई है। ये वाली बुनाई तो पहले होती है, बुनाई पहले होती है लेकिन ये 2019 तक हुई है बुनाई है। अच्छा। ये आपके सामने ये भी नया बर्मा टी है जी। ये देखिए पहले के जमाने के बेड, सिंगल बेड है ये। सराहाना भी एक ही साइज का होता था, उसका पातियाना भी एक ही साइज का होता था। ये भी एंटीक है ये। ये टेबल होती थी पहले मार्बल स्टाइल के अंदर, अब तो वुड लग रहा है। इसका भी जिक्र करूं, ये क्या है? ये स्टूल कहलाते हैं, ये दोनों तरफ फोम लगते हैं और बैठते थे इधर, यानी कि होल्ड है ये। अब नई स्टाइल में भी आ रही है, पुरानी स्टाइल में थोड़ी सी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा सामान दिखाया आपने जादेद। अब बताएं आपसे कोई, अब जाहरी बात है आपने ऐसी चीज़ें दिखाई हैं, देखने आए, देख के अब कोई जिस का इसका खरीदार हो या इसे वैसे ही विजिट करना चाहे तो कौन कैसे आपसे किधर आया जाए? सर जेटलाइन फर्नीचर मार्केट है पुरानी, 602 वर्कशॉप की लाइन में ये शॉप, ठीक है। मेरा नाम शाहजेब है। यहाँ पर किसी से भी आके पूछे एंटिक वाली दुकान कहाँ पर है वो बता देंगे। मशहूर है हमारी दुकान एंटिक फर्नीचर के नाम से। अच्छा कुछ नंबर वगैरह भी बता दें ताकि। सर मेरा नंबर है 03132616707 और मैं अपना दूसरा नंबर देता हूँ टाइनोर का 03472180151। नंबर दोबारा रिपीट कर दूँ आप भी अगर? बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी को परचेस या सेल करना हो सामान तो मुझसे रब्ता भी कर सकता है। हाँ ये भी बता दें आप, अगर एंटिक सामान के ख़रीदार हैं, एंटिक सामान के अगर आप ख़रीदार हैं तो आप मुझसे रब्ता कर लें। अगर किसी को सेल करना हो तो फिर भी मुझसे रब्ता कर लें। एवरी थिंग हाउस होल्ड आइटम हम ख़रीदते हैं।